नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पालक मंत्री ने 15 से लेकर 21 तारीख तक लॉकडाउन लगाया है, उसी का आज का पहला दिन है। लेकिन आप सड़कों पर देख सकते हो कि लॉकडाउन का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं भी है, वो लोग भी बाहर निकल रहे हैं। टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर, बड़ी गाड़ियाँ सारे ही आते जाते दिख रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पैदल चलने वालों की संख्या बहुत कम है, आम नागरिक घर पर ही है। ये नज़ारा देखकर कहीं ना कहीं लोगों के मन से शायद कोरोना का डर खत्म हो गया है, पहले जैसा लॉकडाउन दिख नहीं रहा है। आइए जानते हैं कि जो लोग बाहर निकले वो किस वजह से बाहर निकले हैं। हम, मेरा नाम शहजाद खान है। मैं यहीं रहता हूँ नागपुर में। क्या करते हो आप? हमारा काम है कूलर का वर्किंग, कूलर वर्क करते हैं। हम जो है अभी ये दवाई लेने गए थे हम मार्केट में, दवाई लेके बस घर वापस जा रहे हैं। लॉकडाउन का बहुत पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंट बहुत बढ़ गए नागपुर में हमारे, तो इसलिए लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कारोबार में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, कारोबार में भी दिक्कतें आ रही है, अपना रोजी रोजगार सब उससे वो रहा। वर्क है आपका? हमारा कूलर का वर्क है। अच्छा। कूलर का काम करते हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से क्या बंद रखना पड़ रहा है? बंद रखना पड़ रहा है, कम लोगों में चालू यूज करना पड़ रहा है। हाँ। सोचना पड़ रहा है कि चालू करेगा ना करेगा। अच्छा। ऐसा हाल है। और जैसे कि अभी सभी को पता है कि आज से 7 दिन का जो लॉकडाउन लगा है। हाँ। उसके बाद अभी आपके व्यापार पर भी उसका असर होगा ही टोटली होना ही है असर। तो व्यापार ठंडा लगा ही, हम सब की भलाई के लिए लगा है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं तो बढ़ने नहीं चाहिए। लॉकडाउन जो लगा है, पेशेंट कम होंगे, इससे कुछ ना कुछ अब इसमें फर्क पड़ेगा। आंटी, आपका क्या कहना है इस लॉकडाउन के ऊपर? नहीं, वो पेशेंट बढ़ने के कारण ही ये लॉकडाउन किया गया है ना, वो ज़रूरी है और इसका पालन करना चाहिए। आप क्या करते हो, घर पे रहते हो या कोई? मैं मेरा भाई है। अच्छा। अच्छा, आप हाउस वाइफ हो? जी। घर पे कौन कौन है आपके? हम फैमिली, जॉइंट फैमिली है, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और जेठ जिठानी। आपके हिसाब से जो 7 दिन का लॉकडाउन लगा है, क्या वो सही है? वो सही भी है, लेकिन जो गरीब है उनको, उनके लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे हैं वो खा पी सकते हैं और जो नहीं मिलता वो कहाँ जाएंगे, गरीबी से यानी भूख से वही मरेंगे ना। तो कोरोना करके ऐसे ही ज़िंदगी यानी शुरू रहेंगी, तो फिर इंसान खाएंगा क्या, कमाएंगा नहीं। बात तो अभी रूलिंग के आई थी पड़ रही लोगों की कि काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। हाँ, लेकिन तो अभी ऐसे अचानक से 7 दिन का लॉकडाउन करके कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये भी हो गया कि कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वही इसी वजह से यानी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। रोकथाम हो तो हो ही रही ना, लॉकडाउन आ रहा है, आगे का इंसान जो करने को कर रहा है, जैसा कुछ काम आगे बढ़ना है, कुछ करना है, हमारा धंधा आगे बढ़ाना है, तो उससे फर्क पड़ रहा है लॉकडाउन। जैसे कि आपने देखा है कि इस लॉकडाउन की वजह से आम जनता को ही सबसे ज़्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है, क्योंकि 7 दिन के लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 7 दिन का लॉकडाउन नहीं है, बल्कि 7 दिन की रोजी रोटी भी है। अगर वो कमाएंगे नहीं, घर के बाहर निकलेंगे नहीं, तो ऑब्वियस है कि उनको पेट पालने के लिए और कोई भी साधन नहीं है।